पहले मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्या है, इसको यूज करना है नहीं करना है, ये अच्छा है या हार्मफुल है बॉडी के लिए। बारिश में भी जा सकते हैं आप, रनिंग भी कर सकते हैं आप, जिमिंग भी कर सकते हैं आप, सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। ये आपका कप है राउंड, इसको हम हे एवरीवन, दिस इज मी योगालिशिया संजू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ये व्लॉग नहीं, आज का ये वीडियो है एक स्पेशल टॉपिक के बारे में, ऐसा टॉपिक जो कि इंडिया में थोड़ा सा टैबू भी है और टैबू नहीं भी है। जो हमारे जो नया जो हमारी जनरेशन है उनके लिए टैबू नहीं है बिल्कुल भी, वो इसके बारे में अच्छे से खुल के बात करते हैं। बट जो पुराना जनरेशन है, मैं बोलूँगी जो मैं अपने आप को पुराने वाले जनरेशन में काउंट कर रही हूँ, जो हम जैसे जो लोग हैं और जो हमारे एज के आसपास वाले जो लोग हैं, उनको अभी थोड़ा सा इसके बारे में मिसकंसेप्शन है कि ये क्या है, इसको यूज़ करना है नहीं करना है, ये अच्छा है या हार्मफुल है बॉडी के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और मैंने डे बिफोर यस्टरडे एक वीडियो डाला था अमेज़न फाइंड्स का, जिसमें कि मैंने अपने 10 जो अमेज़न फाइंड्स है वो मैंने शेयर किए थे, जो कि मुझको बहुत यूज़फुल लगते हैं और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रही हूँ। तो उनमें से एक था मेंस्ट्रुअल कप, जो कि मुझको एक बून लगता है हम लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। सच में ये एक बून है, जिसने भी इसका आविष्कार किया है, इसको इन्वेंट किया है, मैं उसको बहुत 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 थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जैसे कि मैं समर्स में जिसने भी एसी को इन्वेंट किया है मैं उसको बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, उसी तरह से हम लेडीज़ की, हम लड़कियों की लाइफ को ईजी बनाने के लिए ये जो इन्वेंशन है, जो मेंस्ट्रुअल कप है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर मेरी वीडियो देख के अगर थोड़ी सी भी गर्ल्स लेडीज जो है पैड से अगर कप पर आ जाती है, कन्वर्ट करती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आज समझते हैं इसके प्रोज एंड कॉन तो नहीं है इसमें, तो समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डीपली, थोड़ा विस्तार से। मैं जितना पॉसिबल होगा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि वाई मेंस्ट्रुअल कप, वाई नॉट पैड, एंड हाउ टू यूज इट, कैसे इसको यूज करना है, एक कप को हम कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, इसको हम स्टोर किस तरह से करें, और इसकी शेल्फ लाइफ तो मैं नहीं कहूंगी, मतलब कितने ईयर्स तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, बट मैंने सोचा कि इसमें तो शर्म की कोई बात नहीं है, ये हम एक बॉडी पार्ट की ही बात कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी नीड है औरतों की, लड़कियों की बहुत बड़ी नीड है। और अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, कोई हश-हश की बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक पिंकथन एम्बेसडर भी हूँ और मैंने कुछ साल पहले एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया था पिंकथन में, तो उसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था मेंस्ट्रुअल कप को, तो मैं उसकी पिक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उस टाइम पर भी मैंने जितनी भी इसके बारे में नॉलेज थी, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो मैंने अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को मतलब आगे मैंने सजेस्ट किया था, उन्होंने यूज किया था, उनके जो रिव्यूज थे वो सब मैंने उसमें शेयर किए थे। और ये मैं आपको बात बता रही हूँ समवेयर अराउंड 7 to 8 ईयर्स बैक, तब की मैं आपको बात बता रही हूँ, तब मैंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था और इसके बारे में बताया था। तो अब आके मैंने सोचा कि मतलब व्हाई नॉट, क्यों नहीं, अगर मेरी इस वीडियो से किसी को हेल्प मिल रही है और कोई अगर शिफ्ट होता है कप की तरफ और किसी की लाइफ इजी होती है, तो मैं ये जरूर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और आज सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें क्यों पैड से कप पर शिफ्ट होना है, क्यों हमें कप पर शिफ्ट होना चाहिए। और मैं क्यों शर्मा रही हूँ, मैंने ये इसके अंदर ही रखा हुआ है, यस नो शेम। तो हमें कप पर क्यों शिफ्ट करना है पैड से, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। इंडिया में अभी भी 75 to 80% लेडीज़ जो हैं, लेडीज़ गर्ल्स जो हैं, वो पैड्स ही यूज़ करती हैं, गाँव में शहरों में पैड्स ही यूज़ करती हैं, क्योंकि हाँ पैड अच्छा है जब तक कप नहीं आया था।
कि आपका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो बाहर नहीं आता, उसको सक कर लेता है आपका जो पैड जो है, और बाहर से आप नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो मैंने भी अपनी लाइफ के 19-20 इयर्स पैड्स ही यूज़ किए हैं जब तक कप नहीं आया था या फिर मुझको कप के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो अब मैं बताऊंगी कि पैड्स के कॉन्स क्या क्या हैं, कि क्या क्या नुकसान हैं पैड्स के। फर्स्ट थिंग कि आप पैड यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको बता रही हूँ कि आप पैड यूज़ करते हैं और आप कप यूज़ करते हैं। आप पैड यूज़ करते हैं ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल होता है, आपको ऑलवेज फील होता है कि आपने कुछ लगाया है नीचे, वो पता चलता है तो अनकंफर्टेबल होता है। उसकी जगह अगर आप कप को यूज़ करते हैं तो आप कुछ टाइम के बाद आप भूल जाएंगे कि आपने कुछ लगाया भी है, आप इतना फ्री हो जाएंगे, बिलीव मी, जो यूज़ नहीं करते मैं उनको बता रही हूँ। ओके, सेकेंड थिंग कि पैड अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं, सपोज किसी को 4-5 डेज ब्लड का फ्लो रहता है, और तो अगर जो थोड़े से भी ओबिसिटी वाले लोग हैं, ओबिसिटी वाली जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको रैशेज़ हो जाते हैं। सबको नहीं होते, जिनकी थाइस थोड़ी पतली होती है उनको रैशेज़ नहीं होते, बट जो थोड़े से भी जिनकी थाइस हैवी होती हैं तो वो जो है पैड की वजह से उनमें रैशेज़ हो जाते हैं। तो वो आपका कप्स में बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं, रैश तो क्या कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपको फ़ायदा है अगर आप पैड यूज़ करते हैं या कप यूज़ करते हैं। तो थर्ड थिंग कि आप पैड को जब यूज़ करते हैं तो आप जिमिंग, आप स्विमिंग, रनिंग करते वक्त आपको अगेन वही अनकंफर्टेबल वाला रहता ही है, और स्विमिंग तो आप नहीं कर सकते हैं अगर आप पैड यूज़ कर रहे हैं तो। पीरियड्स के दिनों में हम पुराने टाइम से ही चला आ रहा है कि बारिश में नहीं जाना, पैड लगाया हुआ है, आपको स्विमिंग नहीं करना, कैसे करेंगे, पैड लगाया हुआ है। तो अगर आप कप यूज़ करते हैं तो आपकी ये सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। कितनी शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ मैं, यस। तो आपकी इसमें से कोई भी समस्या नहीं रहेगी, आप कप को लगाकर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, आप बारिश में भी जा सकते हैं, आप रनिंग भी कर सकते हैं, आप जिमिंग भी कर सकते हैं, आप सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, और एक इसमें पैड्स जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि डीकम्पोज हो जाते हैं, बट अभी मैंने थोड़ा रिसर्च किया, पढ़ा। ये वीडियो मैंने ऐसे ही नहीं बना दिया, मैं अपनी जो मुझे नॉलेज है, ठीक है मुझको पता है, बट कोई भी वीडियो में डालने से पहले कोशिश करती हूँ उसके बारे में मैक्सिमम नॉलेज जो है वो मैं गैदर कर सकूँ, और जो फैक्ट्स है वो मैं गैदर कर सकूँ, और उसके बाद ही मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा इंटरनेट पर, तब मुझे पता चला कि कोई भी पैड जो है उसको जो है डीकम्पोज होने में 800 ईयर्स तक लग जाते हैं। और आप सोचो कि हम पैड्स को हम तो डस्टबिन में डाल देते हैं, उसके बाद डस्टबिन से हमारे यहाँ पर, चलो हम शहरों में रहते हैं तो अच्छे से उसको डीकम्पोज करते हैं, कूड़ा जो है वो सही जगह जाता है जहाँ उसको जाना चाहिए। जो गांव घरों में रहते हैं वहाँ का कूड़ा ऐसे ही डिस्पोज होता है, कहीं पर भी एक बड़ा ढेर जहाँ पर लगता है वहाँ पे सब कूड़ा फेंकते हैं, वहाँ से एनिमल्स जो हैं वो पैड्स को उठा के ले जाते हैं। आप सभी को पता होगा ये फैक्ट, इस बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाती हूँ मैं, तो ये मतलब गंदी चीज़ है, ये एक यक चीज़ है कि मतलब वो इधर उधर फेंके हुए हैं और इधर उधर दिखाई दे। एंड अगर उसकी जगह हम कप को यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल है, आपने अंदर इंसर्ट किया, आप उसको यूज़ करें, आप उसको बाहर निकालेंगे, आप वॉश करेंगे और वो क्लीन हो जाएगा। तो आपका जो जो भी बॉडी का वेस्ट है वो कहीं और नहीं जा रहा, जहाँ उसको जाना चाहिए वहीं जा रहा है। तो इसीलिए कप जो है बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो आप समझते हैं कि कप्स जो हैं वो आपको कैसा कप लेना चाहिए और किस तरह से हमें यूज़ करते हैं, और उसके बारे में आगे जानेंगे। तो पहली चीज़ कि आप अगर कप लेने जा रहे हैं तो आपको कौन सा कप लेना है। आप इसमें क्या होता है, डिफरेंट साइजेस आते हैं, मेनली इसमें 3 साइजेस आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो थोड़ा सा समझेंगे, स्मॉल साइज जो है वो साइज है गर्ल्स के लिए, जो टीनेज वाली गर्ल्स हैं, टिल जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक आप स्मॉल वाला जो कप है उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो मीडियम वाला जो कप है वो आप यूज कर सकते हैं कि अगर आपकी शादी हो गई है बट आपके बेबीज अभी नहीं हुए हैं, तो क्या होता है, हमारा वजाइना का जो
जो फेस जो होता है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है, तो वहां पर मीडियम कप जो है वो इनफ होता है, उसका सक्शन ठीक बनता है। उसके बाद आता है लार्ज, तो लार्ज यूज करना चाहिए जिनकी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, तो आपको पता है जब डिलीवरी होती है, बेबी बाहर आता है, तो थोड़ा सा लूज हो जाता है हमारा जो वजाइना जो है, तो उसके लिए लार्ज जो सबसे मैक्सिमम वाला साइज है, लार्ज साइज आता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप ओबेस है, अगर आप थोड़े से मोटे हैं, तब भी आप लार्ज वाले को यूज करेंगे, क्योंकि नीचे का एरिया भी थोड़ा सा खुला हुआ होता है। तो तीन साइजेस आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। आप अपने अनुसार आप अपना जो कप है उसको आप चूज कर सकते हैं। और ये अभी सब जगह ही मिलता है, ऑनलाइन अमेज़ॉन पर मिलता है, मैं अमेज़ॉन से मैंने लिए हैं। मैंने अपने ये मेरा फोर्थ कप है, मैंने जब से स्टार्ट किया है तब से मेरा ये फोर्थ कप है, और मुझको हो गए हैं आई थिंक, मुझे याद भी नहीं है, 12-13 साल से तो ज़्यादा ही हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। तो फोर्थ कप है, मैं इसको कोशिश करती हूँ कि हर 3-4 साल में मैं पुराने वाले को डिस्पोज कर दूँ और नया ले लूँ। तो ये आपके ऊपर है, वैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इसको आराम से 5-8 साल तक यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको सही से स्टेरिलाइज करते हैं तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं 5-8 साल तक। सो साइजेस 3 होते हैं, ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम आते हैं जो कप जो होता है हमारा, ये जो मेडिकेटेड जो सिलिकॉन होता है, मेडिकल ग्रेड का जो सिलिकॉन होता है उससे बनता है, तो ये हमारी बॉडी पर, हमारी स्किन पर, वजाइना की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उस पर कोई भी इसका बुरा इफेक्ट नहीं होता, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेडिकल ग्रेड का जो है सिलिकॉन यूज़ किया होता है, ओके। तो इसके बारे में मुझे जो क्वेरीज आई थी, अब हम आते हैं उस पर। तो एक क्वेरी ये थी कि मुझे इसको एक दिन में कितनी बार एम्प्टी करना है, कितनी बार मुझे इसको बाहर निकाल के एम्प्टी करना है। वेल, ये डिपेंड करता है कि आपका फ्लो, ब्लड फ्लो कितना है। यूजुअली जो होता है वो होता है कि आप 12 घंटे में एक बार अगर आप इसको एम्प्टी करते हैं तो दैट इज़ इनफ। जैसे मैंने भी अपनी पूरा अभी तक जो भी मेरा साइकिल चला आ रहा है, मैं एक बार मॉर्निंग में इसको मतलब एम्प्टी करती हूँ और एक बार रात को सोने से पहले, तो मेरा ब्लड फ्लो जो है उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। बट कुछ लेडीज़ जो होती हैं, कुछ बच्चियाँ जो होती हैं, उनको ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो जिनको ज़्यादा होता है वो 3 बार भी कर सकते हैं, 6-8 घंटे के बाद भी आप इसको एम्प्टी कर सकते हैं। और आप एक साइकिल इसको यूज़ करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका कप जो है वो कितना फिल हो रहा है, और उसके हिसाब से फिर आप, अगर आप सपोज़ आप स्टार्टिंग में आप डर की वजह से कि कहीं कप पूरा फिल ना हो जाए, कहीं ओवरफ्लो ना हो जाए, मेरे ड्रेस जो है वो ख़राब ना हो जाए, तो आप शुरुआत में इसको एक दिन में 3 बार भी आप चेंज कर सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जब आप कप बाहर निकाल रहे हैं वो कितना फिल हुआ है, उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं इसको और कितना लंबा टाइम तक यूज़ कर सकती थी। तो उसके हिसाब से मेरा जो सजेशन है, और जिनको भी मैंने सजेस्ट किया है आगे, वो भी इसी तरह से यूज़ कर रहे हैं, एक दिन में 2 बार आप इसको एम्प्टी करेंगे, एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात को सोने से पहले, तो वो बिल्कुल सफिशियंट होता है। तो हम ये समझते हैं कि आपको ये हर बार आप लू जाते हैं, ये मैंने बता दिया, हर बार आप लू जाते तो आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में 2 बार भी आप इसको बाहर निकालेंगे तो वो इनफ होगा। उस वीडियो में जो मिसिंग है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये जो मेरा जो कप है इसमें आगे इतना और टेल आता है, ये मैंने टेल जो है थोड़ा इसको कट किया हुआ है, तो इतना और टेल होता है इसमें। अगर मैं पेन से थोड़ा सा दिखा सकूँ तो सपोज अभी ये इतना टेल है, तो इतना और इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा आगे की तरफ ये टेल बड़ी हुई होती है। वो किस लिए होती है कि आप जब इसको अंदर इंसर्ट करते हैं तो जब आपको इसको बाहर निकालना है तो आप उस टेल को पकड़ के, आपको पकड़ अच्छे से आ जाए, टेल को पकड़ के आप उसको आराम से बाहर की तरफ पुल कर सकें। बट सम केसेस में, और मेरे केस में भी ये हो, मुझे इनिशियली ये लगा कि ये थोड़ा सा चुभता है नीचे अगर इसकी टेल लंबी होती है, तो इसीलिए मैंने इसको आगे से थोड़ा सा कट कर दिया था। और मैं अपने हर कप को आगे से थोड़ा सा कट कर देती हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मुझको अब आदत हो गई है, मुझे पता है किस तरह से इसको निकालना है। तो आप भी देखेंगे, आपको अगर लॉन्ग टेल के साथ आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको वो कम्फर्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम्फर्टेबल नहीं है तो आप उसकी टेल को थोड़ा सा आगे से कट कर सकते हैं, ओके। हाँ, अब इसमें एक बहुत ज़्यादा हंसी वाला क्वेश्चन था कि अगर ये अंदर ही रह गया और बाहर नहीं निकला तो,
तो ऐसा नहीं होता है, आप अंदर फिंगर डाल के इसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं। आपको अगर ह्यूमन एनाटॉमी अगर आपको पता है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में अगर आपको पता है, और अगर नहीं भी पता तो भी मैं आपको बता दूं कि वजाइना जो होता है वो काइंड ऑफ इतना वे होता है अंदर की तरफ, तो उसके आगे जो है यहाँ पर हमारा जो यूट्रस होता है उसका फेस होता है, यहाँ पर सर्विक्स होता है, तो ये एंड है, इसके आगे वो कहीं नहीं जा सकता, आपके बॉडी के अंदर नहीं चला जाएगा वो, कहीं पर भी आपके इंटेस्टाइन में या कहीं कहीं नहीं जाएगा वो, यहाँ पर आकर आप अगर मैक्सिमम भी अंदर की तरफ पुश कर देते तो वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा आपका कप। तो आपको इतना अंदर डालना भी नहीं है, आप कोशिश करेंगे आप थोड़ा सा अंदर की तरफ डालेंगे और इतना थोड़ा सा गैप तो आपको नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा आपको अंदर डालना है और वहां पर वो सक्शन बन के रुक जाएगा। तो ये दिमाग से निकल, तो मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि मिसकंसेप्शन किस हद तक है कि कब हम यूज करेंगे तो कहीं वो बॉडी के अंदर ना चला जाए, कहीं वो अंदर ही ना रह जाए, कहीं हम बाहर ही ना निकाल पाए, इस लेवल तक मतलब इसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो अब जानते हैं कि इसका हम रख रखाव कैसे करेंगे, इसको हम स्टोर कैसे करेंगे, इसको हम रखेंगे कैसे। आपको क्या करना है, आपको पीरियड स्टार्ट हुए, आपने ये फर्स्ट टाइम जब आप अंदर डालेंगे उससे पहले आप अच्छे से आप कप को भी वॉश करेंगे और आप अपने हैंड्स को भी अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद ही आप कप को यूज़ करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जेंटल एरिया है, वहाँ पर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप कप को और अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके उसके बाद आप इंसर्ट करेंगे, राइट। और जब आप उसको बाहर निकालेंगे, कप को आप बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालने के बाद भी आप उसको अच्छे से वॉश करेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे दोबारा से अंदर डालने से पहले, अच्छे से आप उसको पानी से वॉश करेंगे। अगर आपके बाथरूम में गर्म पानी है तो बहुत अच्छी बात है, आप गर्म पानी से इसको वॉश कीजिए, गर्म नहीं है तो आप अगर ठंडे पानी से भी वॉश करेंगे, बट अच्छे से क्लीन करना है आपको, तो वो वॉश हो जाएगा और आप उसको अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जब आपके पीरियड्स ओवर होते हैं, जब आपके पीरियड्स फिनिश होते हैं और जब आपको ये स्टोर करना है, रखना है आपको नेक्स्ट साइकिल के लिए, तब आपको एक बार इसको अच्छे से स्टेरिलाइज करना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, आप किसी भी एक डब्बे में आप गर्म पानी लेंगे और इतना उसमें गर्म पानी लेंगे कि ये उसमें डूब जाए, और उसको आप थोड़ी देर उसके अंदर रख के रखेंगे, गर्म पानी हॉट वाटर उसमें रख के रखेंगे, उसके बाद आप इसको बाहर निकाल के एक बार और अच्छे से पानी से धो के फिर आप इसको, इसके साथ ही पाउच आता है, ये हर कप के साथ पाउच आता है, आप उस कप के अंदर उसको अच्छे से डालेंगे और कहीं साफ सुथरी जगह पर ही इसको आप स्टोर करेंगे, ठीक है, जहां पर आपको लगे कि जर्म्स वगैरह नहीं आ सकते, कि आप इस तरह से इसको बंद करेंगे और उसको रखेंगे। एंड जब आप नेक्स्ट साइकिल में इसको यूज करेंगे तो अगेन जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो फिर से आपको एक बार इसको स्टेरिलाइज जरूर करना है, क्योंकि एक महीने तक आपने इसको यूज नहीं किया, ये रखा हुआ था, कुछ भी हो सकता है, जर्म्स लग सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी, कुछ भी आप अपने अंदर इंसर्ट करें तो ऑब्वियसली वो चीज क्लीन होनी चाहिए, तो स्टेरिलाइज करना है आपको बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज। साइकिल की बात करी मैं, जब आप पीरियड्स के दिनों में इसको यूज करें तब आप इसको सिंपल टैप वाटर से भी आप अच्छे से इसको क्लीन करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक रहेगा। तो आपको पीरियड्स में फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले और यूज करने के बाद इसको स्टेरिलाइज करना जरूरी है, और आजकल तो इसका जो है स्टेरिलाइज करने का एक डिवाइस भी आने लगा है, उसका कुछ नाम है, ओके हाँ, मेंस्ट्रुअल कप स्टेरिलाइजर, तो वो आप ले सकते हैं, वो भी अमेज़ॉन पे और सब जगह ऑनलाइन अवेलेबल है, बट उसका इतना नीड है नहीं, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है और बहुत लगता है कि भाई हम अच्छे से इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो जैसे आप बच्चों की जो मिल्क की बॉटल होती है उसको स्टेरिलाइज करने का डिवाइस आता है, उसी तरह से एक डिवाइस आता है, आप उसको देख सकते हैं अमेज़ॉन पे, अगर आप इस नाम से डालेंगे मेंस्ट्रुअल कप स्टेरिलाइजर तो आ जाएगा वो, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे उतनी खास उसकी नीड लगती नहीं है, क्योंकि हम गर्म पानी से, अच्छे से गर्म पानी से इसको अगर हम थोड़ी देर सोख करके हम इसको वॉश कर देंगे तो ये बिल्कुल सही रहता है और कोई जर्म्स इसके अंदर नहीं रहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक वीडियो जो कि मैंने बनाया है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाने के लिए कि हम किस तरह से कप को अंदर इंसर्ट करते हैं और किस तरह से सक्शन बनता है और कैसे हम उसको बाहर निकालते हैं, तो क्या उसका प्रोसीजर रहता है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो देखते हैं हम साथ में।
तो आइए अब समझते हैं कि किस तरह से वर्क करता है मेंस्ट्रुअल कप और हम किस तरह से उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं, किस तरह से इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने दो तीन चीजें ली हैं आपको समझाने के लिए। तो पहली चीज है, एक ग्लास में हमने थोड़ा सा वाटर लिया है जिसको हम मेंस्ट्रुअल ब्लड की जगह यूज करेंगे, और साथ में लिया है मैंने एक बॉटल जो कि थोड़ा सा नैरो है, थोड़ा पतली है। आप देख सकते हैं इसका मुंह जो है ये थोड़ा छोटा है, तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल ठीक है। और ये है हमारा मेंस्ट्रुअल कप। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज करेंगे और देखेंगे कि सक्शन सही बनता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस बॉटल में थोड़ा सा पानी डालेंगे। ओके, मैं ये सारा ही पानी डाल देती हूँ। वैसे आपको, क्योंकि हमारा जो ब्लीडिंग जो होती है वो इतना तो नहीं होती है, एक दिन में इतना आपका ब्लीडिंग होगा, तो मैंने इसको डाल दिया है सिर्फ आपको सक्शन शो करने के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे कप पर। अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। ये आपका कप है राउंड, इसको हम करेंगे पंच डाउन फोल्ड। पंच डाउन फोल्ड में हमें क्या करना है, एक एज से हम इसको पकड़ेंगे और अंदर की तरफ इस तरह से इसको हम पुश करेंगे। ओके, और उसके बाद हम इसका जो ऊपर वाला एज है उसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे। तो अब इसका शेप काइंड ऑफ ये बन गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने क्या किया, एक एज को पकड़ा और अंदर की तरफ दबाया, और इसका जो ऊपर का फेस है इसको हमने इस तरह से एज जो है वो हमने पकड़ लिया, तो ये ऐसा कुछ लॉक बन गया है। अब इसको हम इंसर्ट करेंगे बॉटल के अंदर। सो ये बॉटल है, सपोज ये वजाइना का फेस है, हमने इसके अंदर कप को इंसर्ट किया एंड छोड़ दिया। ओके, तो ये अंदर जाके आपको पॉप की आवाज जो आई है वो है कप का ओपन होना। हमने बंद करके इसको अंदर पुट किया था और उसके बाद वो अंदर जाके जैसे ही उसको स्पेस मिला वो पॉप करके ओपन हो गया। तो अभी यहाँ पर सक्शन बन गया है। ओके, अब हम इसको बॉटल को उल्टा करके देखते हैं, इसमें पानी है, बट मैं इसको कितना भी हिलाऊं, कितना भी कुछ करूं, ये पानी जो है बाहर नहीं आएगा। ये बिल्कुल ड्राई है एज यू कैन सी, तो इसमें से पानी बाहर नहीं आएगा। एक दो बूंदे जो आपने देखी वो मैं एक रफ मैंने ट्रायल किया था, तो उसकी वजह से बाहर जो पानी की ड्रॉपलेट थी वो था, इसके अंदर ये जो लॉक बना है ये पानी बाहर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है। तो अब हम समझते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आपने कप इंसर्ट किया हुआ है तो उसके बाद आप रनिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। सपोज ये आपकी बॉडी या पूरा हिलडुल रहे हैं, बट ये एक बार सक्शन बन गया तो इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं कि निकालते किस तरह से, बाहर किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पर एक बात हम पहले समझ लेते हैं कि जब आप वजाइना में इसको आप अंदर डालेंगे तो इतना एरिया भी ये बाहर नहीं होगा। ये क्योंकि बॉटल है इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना बाहर छोड़ा है। आप कोशिश करेंगे फिंगर को जितना अंदर की तरफ आप पुट कर सकें उतना अंदर, सिर्फ आप इतना फिंगर डालने की कोशिश करेंगे, इतना फिंगर आप अंदर तक लेकर जाएंगे कप को while inserting and then you will leave it। उसके बाद आप छोड़ेंगे और वो पॉप करके खुल जाएगा। बाहर निकालने का सेम टेक्निक है, आप हल्का सा नीचे की तरफ प्रेशर देंगे अपने पेल्विक में, और क्या करना है, जब आपको कप आप अपनी फिंगर से फील कर पाए तो आप एक साइड से अगेन उसी तरह से प्रेस करेंगे। तो ये देखिए ये सक्शन जो है ये लूज हो गया है एंड यू विल होल्ड इट एंड रिमूव, ये आप रिमूव कर देंगे। ठीक है, और ये आपको करना है टॉयलेट में ही, ताकि ये भी आपने देखा मैंने बाहर निकाला तो हल्का सा ये एक दो ड्रॉप इधर उधर जो हुए हैं वो भी प्रैक्टिस के साथ आप करें, क्योंकि ये बॉटल है, प्रैक्टिस के साथ आप करेंगे तो वो भी नहीं होता है, बट आपको इसको करना टॉयलेट सीट पर ही है वाइल गोइंग टू लू, वहां पर आप ये करेंगे। तो इसी तरह से आप इंसर्ट करेंगे और बाहर निकालते हुए भी हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो ये आगे से भी इस तरह से मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, और सक्शन इसका लूज होते ही आप इसको इजीली जो है बाहर की तरफ पुल कर सकते हैं। सो ये था वीडियो,
प्रैक्टिकल वीडियो कि किस तरह से हम कप को इंसर्ट करते हैं और रिमूव करते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको यूजफुल लगा होगा और आपके जो भी दिमाग में अभी तक चल रहे थे, जो भी मिसकंसेप्शन चल रहे थे, वो अब नहीं होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपके कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में प्लीज़ लिखिए। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबको मेरा नंबर पता है, आप मुझसे मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप अब शिफ्ट हो रहे हैं कप की तरफ तो साइज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लेडीज़ ये बोलती हैं कि हमारा कप तो लीक करता है। तो लीक इसलिए करता है क्योंकि आप सही साइज़ को चूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपके बेबीज़ हो गए हैं, आपका वजाइना जो है वो थोड़ा सा लूज़ है और आप स्मॉल कप को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो आप जैसे मैंने बताया था, आप उस हिसाब से अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने वजाइना के साइज़ के अकॉर्डिंग आप अगर कप को लेती हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, तो वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। और ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कप जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको इंसर्ट करने के बाद एक बार हल्का सा बाहर की तरफ पुल करके आप उसको चेक करें कि सक्शन बन गया है या नहीं। तो उससे आपको पता चल जाएगा, जब आपको सक्शन हल्का सा प्रेशर सा आपको फील होगा सक्शन वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि अब ये लॉक हो गया है, अब इसमें से कुछ भी लीक नहीं होगा। तो ये एक बार आप इंसर्ट करने के बाद चेक जरूर करें प्लीज़। आपने अंदर इंसर्ट किया, उसके बाद आप एक बार उसको हल्का सा बाहर की तरफ पुल करके देखेंगे तो आपको खुद को पता है कि सक्शन अगर बनता है तो किस तरह का प्रेशर आता है, तो वो प्रेशर वहां पर बन रहा है तो ठीक है। और अगर वो इजीली बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब आपने जो फोल्ड जो किया था वो खुला नहीं है, अंदर जाके पॉप नहीं हुआ है, तो वो होना जरूरी है, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और एक साइकिल अगर आप यूज करते हैं इसको, तो एक हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको नहीं आए, सेकंड टाइम में नहीं आए, थर्ड टाइम में आपको आ जाएगा कि किस तरह से इंसर्ट करना है, कैसे वो पॉप होगा और किस तरह से आपको उसको बाहर की तरफ रिमूव करना है। तो हर नई चीज़ को जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो उसको हमें समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि फर्स्ट टाइम उसका जो लॉक था वो प्रॉपर लगा नहीं था और हल्का सा लीकेज हो रहा था, तो मैंने उस कप को बाहर रिमूव किया और मैं डर गई थी और मैंने साथ साथ पैड को भी यूज़ किया कि मैं मतलब क्या, मैंने देख के, मैंने कहीं से रिव्यूज़ देखे थे और फिर मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, तो मैंने पैड भी यूज़ किया कि मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ, ये मैंने क्या ले लिया है। बट फिर मैंने एक ट्राई और करने की कोशिश की, मैंने उसको बाहर रिमूव किया, वॉश किया और फिर से उसको फोल्ड करके मैंने अंदर डाला एंड उस टाइम वो सक्सेसफुल हो गया, अच्छे से लॉक लग गया। एंड वो दिन है और आज का दिन है, मैं पैड्स का खर्चा मेरा बचा हुआ है, मैं कप ही यूज़ करती हूँ, बहुत इकोनॉमिकल भी है ये। आप एक कप लेते हैं तो ये हार्डली 500-600 का, अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का ही लीजिएगा प्लीज़, अच्छी क्वालिटी का लेते हैं 500-600 में ये आ जाता है। और पैड्स भी कोई सस्ते नहीं आते हैं और हर मंथ का वो हमारा खर्चा है ही, तो उसकी जगह आप कप लेते हैं तो आप एक कप अगर आप मिनिमम मैं बोल रही हूँ, मिनिमम आप 4 साल भी यूज़ करते हैं तो आप अपने आप देखिए कि कितनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो रही है आपकी इसमें। तो इन एनी वेज कप जो है बेटर है पैड से, तो प्लीज़ आप शिफ्ट करिए, कन्वर्ट कीजिए कप में और मुझे बताइएगा, अपने रिव्यूज़ बताइएगा प्लीज़। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का, आपके रिव्यूज़ का, और आपके कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज़ हो, वो भी आप मुझसे पूछिएगा, मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी मैं क्या मतलब, मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ, तो जो भी कमेंट आते हैं मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं और मैं उनके आंसर करती हूँ, तो मुझे भी मज़ा आता है। तो आपकी जो भी क्वेरीज़ हो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। और या दैट्स इट, तो होपफुली मैंने जितने भी थे मेन पॉइंट्स वो सब मैंने जो है कवर कर लिए हैं। यस, तो अब इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर फिनिश। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आप इससे प्रेरित होके एक बार प्लीज़ मेरे बोलने से आप शिफ्ट करके देखिए पैड से कप में। आप बाद में मुझे थैंक्स बोलेंगे, उसके लिए मैं तैयार हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी जब आप शिफ्ट करेंगे और आप मुझे बोलेंगे कि वाओ अंजू आपने कितनी अच्छी चीज़ बताई है। मैं उस दिन का, उस टाइम का वेट कर रही हूँ। इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में होपफुली जल्दी ही अपने नए व्लॉग के साथ या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या लेट्स सी क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा
और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, मैं मज़ेदारी डालती हूँ अपनी तरफ से, मैं मज़ेदारी डालती हूँ, अब आता कैसा है मुझे नहीं पता। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू।